हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साईश कोचिंग क्लासेस। और आज हम विषय हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई आज चालू करने जा रहे हैं। और इस दूसरी इकाई में शुरुआत ही हमें एक अच्छी कविता से करनी है, जिस कविता का नाम है बरस ही जलत। और जिनके ये कवि, इस कविता के कवि, जैसे कि हमें मालूम है कि हनुमान चालीसा जो हमारा एक प्रसिद्ध काव्य, और हनुमान चालीसा एक हमने पता है हमें कि उसके जो कवि है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने यह रचना हमारे लिए यहाँ पे दी गई है। तो इस रचना से हमें, उन्होंने इस काव्य खंड के अनुसार से हमें यहाँ पर सीताहरण के पश्चात श्री राम जी कैसे बैचेन हैं, उसका यहाँ पे हमें पढ़ाई करना है। तो हम ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम सीधा चलते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक की ओर। तो पाठ्य पुस्तक में पहले हम उनका परिचय जान लेते हैं। दूसरी इकाई कविता का नाम है बरस ही जलत। कविता के कवि है गोस्वामी तुलसीदास। ओके, सो अभी उनका परिचय हम देखते हैं। परिचय, उनका जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। परिचय, गोस्वामी तुलसीदास, यहाँ पे उनका परिचय दिया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत तथा कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन में को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आपकी प्रमुख कृतियां तो यहाँ पे उन्होंने दिया है। देखिए, रामचरितमानस एक महाकाव्य उन्होंने अपने कृतियां में है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरावे रामायण, जानकी मंगल आदि इनकी प्रमुख कृतियां है। पद्य संबंधी थोड़े से जान लेते हैं कि पद्य के बारे में। ओके, सो पद्य संबंधी जानने के लिए हमें उन्होंने क्या कहा है इस पद्य के अनुसार। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस महाकाव्य के किष्किकंदा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा ये छंद में लिखा है। छंद नामक का एक क्या रहता है कि हमारा व्याकरण का एक प्रकार रहता है, और उस छंद में चौपाई और दोहा है। बहुत ही अच्छे तरह से छंद है। अभी आपको व्याकरण में ये चौपाई और दोहा, अभी व्याकरण में छंद नाम का ये जो टॉपिक है आपको नहीं है, तो ये टॉपिक के अनुसार उन्होंने यह पद्यांश किया है। यह गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों, दुर्गुणों का को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है, मतलब सीता का जब हरण होता है उसके बाद का ये प्रसंग उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं, पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, ऐसा वर्णन यहाँ पे हमें क्या किया है गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ पे अच्छी तरह से बताया है। चलो तो हम एक एक अभी चौपाई और दोहा के अनुसार हम कविता का सरल भावार्थ भी देखते हैं और कविता का
अध्ययन भी करते हैं और अच्छी तरह से ये समझ के लेते हैं। सो कविता का नाम है बर सही जलत चौपाई। घन घमंड नबन गजरत घोरा प्रिया हीन डरपत मन मोरा दामिनी दमक रह ही घन माही खल के प्रीति जता थिर नाही बरस ही जलद भूमि नियराए जता नव ही बुद विद्या पाए बुंद अघात सह ही गिरी कैसे खल के बचन संत सह जैसे शुद्र नदी भरी चली तोराई जस थोरे हो धन खल इतराई भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीव ही माया लपटानी समिटी समिटी जल बरही तलावा जिमी सदगुण सज्जन पही आवा सरिता जल जल निधि महु जाई होई अचल जिमी जीव हरि पाई। तो ये चौपाई पहले हमें दिया है, चौपाई का हम प्रथम अर्थ देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे ये घन, घन मतलब यहाँ पे बादल है, घमंड मतलब गर्व है, गरजत मतलब गरजते है, और यहाँ पे दामिनी मतलब यहाँ पे दामिनी का अर्थ है बिजली, ओके। और यहाँ पे डरपत का अर्थ डर रहा है ऐसा हम ले सकते हैं। दमक रही है घन, घन का तो मैंने आपको बताया दैट इज व्हाट बादल, ओके। खल माने दुष्ट बराबर, और थीर माने स्थिर, दमकना, ओके। दमकना यहाँ पे नहीं, आगे चल के हम देखेंगे। तो अभी यहाँ का यहाँ पे अर्थ देखते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा प्रिया हीन डरपत मन मोरा, मतलब कवि यहाँ पे हमें कहते हैं कि घन, घन मतलब बादल, ओके। आकाश में बादल गर्व से क्या कर रहे हैं, भयंकर जैसी गर्जना कर रहे हैं, बराबर है। और इसी वक्त प्रिया हीन डरपत मन मोरा, मतलब यहाँ पे अभी कवि कह रहे हैं कि श्री राम जी के मन में अभी क्या हो रहा है कि मन में डर रहा है, मन से डर गए हैं। क्योंकि सीता जी उनको दिखाई नहीं दे रही है। तो प्रिया मतलब यहाँ पे सीता जी को समर्पित यहाँ पे श्री राम जी ने उनके बारे में यहाँ पे कहा है, समझ में आया रहेगा। चलो अभी आगे चलते हैं। दामिनी दमक रह ही घन माही खल के प्रति जता थिर नाही, मतलब क्या बिजली, जो अभी दामिनी मतलब क्या बिजली आकाश में ऐसी चमक रही है, बराबर है, कि जैसे एक दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह क्या रही है, चमक कर तुरंत लुप्त हो रही है, ऐसा यहाँ पे कवि हमें इसका अर्थ हम यहाँ से बता रहे हैं। बरस ही जलद भूमि नियराए जता नव ही बुद विद्या पाए, जता मतलब जैसे के जैसे, बराबर है। नव ही मतलब क्या, तो झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। बुद माने क्या, तो विद्वान, ओके। और नियराए मतलब क्या, तो पास आकर, बराबर। और आगे चल के क्या कहते हैं, बुंद अघात सह ही गिरी कैसे खल से बचन संत सह जैसे, मतलब कवि यहाँ पे हमें कहते हैं कि बादल ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के नजदीक आकर, मतलब उतरना चाहते हैं, नजदीक आकर उतर कर बरस रहे हैं, और ठीक उसी प्रकार क्या हो रहा है, जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं, और जो बूंदे हैं वो पहाड़ियों में से पर पड़ रहे हैं, और इस पहाड़ों पर बूंदों के प्रहार को इस प्रकार से शांत भाव से सह रहे हैं। जो पहाड़ी के ऊपर पड़ रहे, तो पहाड़ उन बूंदों के प्रहार कैसे कर रहे, शांत भाव से सह रहे हैं, जैसे संत पुरुष देखी पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को क्या करते हैं, सह लेते हैं। यहाँ ऐसे कवि हमें इस चौपाई के माध्यम से यहाँ पे बता रहे हैं। शुद्र नदी भरी चलत तोराई जस थोरे हु धन खल इतराई भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीव ही माया लपटानी।
अभी यहाँ पे सह का मतलब हम क्या कह सकते हैं, तो सह मतलब सह लेते हैं, शूद्र मतलब छोटी, तोराई मतलब तोड़कर, थोड़े हु मतलब क्या, तो थोड़े सी भी, और डाभर माने मटमैला ऐसा हम कह सकते हैं, और लपटानी माने लिपट जाते हैं। तो अभी यहाँ पे कवि हमें ऐसे कहते हैं कि जैसे छोटी छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को क्या कर रही है, तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है, जैसे मामूली धन पाकर, सी मामूली थोड़ा सा धन पाकर क्या करते हैं दुष्ट लोग, क्या करते हैं इतराने लगते हैं, बराबर है, इतराने लगते हैं, और इतराने लगते हैं मतलब अपनी मर्यादाओं को त्याग कर देते हैं। जैसे मर्यादा अपन म्हणतो ना मराठी मध्ये की मर्यादा ओलांडून पुढच्या गोष्टी बोलणे, तसं इतराते हैं, बराबर है। सो पृथ्वी पर गिरते ही पाणी गंदला हो गया है, मतलब पृथ्वी पर जो पानी गिरता है बारिश का, वो क्या हो रहा है, गंदला हो गया है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। ओके सो चलो आगे चलते हैं। समिटी समिटी जल बर ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरी पाई। अरे जिमी माने जैसे, पही मतलब के पास, और जल निधि मतलब समुद्र रहता है, और महु मतलब मैं, अचल माने स्थिर, और सद ग्रंथ माने अच्छे ग्रंथ और महान ग्रंथ। अभी कवि यहाँ में क्या कहते हैं कि वर्षा का जो पानी है एकत्र होकर क्या हो रहा है, तालाबों भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। सो नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार हरेक जीव ईश्वर को प्राप्त कर क्या करता है, अचल हो जाता है, ऐसा यहाँ पे कवि गोस्वामी तुलसीदास हमें कहना चाहते हैं, बराबर है। तो आपको ये पहले चौपाई का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम चलते अभी आगे की ओर, बराबर है। दोहा, जो कि इस दोहा में हमें उन्होंने क्या दिया है, हम उसका चयन करेंगे। हरित भूमि तृण संकुल, जस्ट अ मिनट, हरित भूमि तृण संकुल समुजु पर ही नहीं पंत, जिमी पाखंड विवादते लुप्त हो ही सदग्रंथ, बराबर है। सदग्रंथ मतलब अच्छे ग्रंथ हम यहाँ पे कह सकते हैं, और यहाँ पे अभी कवि गोस्वामी तुलसीदास हमें क्या कहते हैं कि पृथ्वी आज इस वर्षा की वजह से, इस घास के वजह से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, और जिससे रास्तों का पता नहीं चलता, और यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार सदग्रंथ क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हुए हम दूसरे चौपाई का चयन करेंगे, और उसका अर्थ भी यहाँ पे हम देख के उसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। चलो चौपाई के अंदर क्या दिया है अभी देखते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं, बाद में उसका एक एक अर्थ हम देखते हैं। दादूर धुनी चहु दिशा सुहाई, बेद पढ़ही जनु भटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पातु बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, होजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, शशि सपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी, निशी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्बिन्य कर मिला समाजा, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मदमाना, देखी अत चक्र बाक खग नाही, कलही पाई जिमी धर्म पराही, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जह तह रहे पतिक थाकी नाना, जिमी इंद्रिय गुण गन उपजे ज्ञाना,
अभी हम एक एक चयन का अर्थ देखते हैं। अभी यहाँ पे दिया है दादुर धुनि सहु दिशा सुहाई वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी नव पल्लव भी भये बिटप अनेका साधक मन जैसे जस मिले विवेका। अभी यहाँ पे दादुर माने क्या हम कहते हैं मेढक, बोलते ना मेंढक बोलते ना मेढक, ओके। धुनि माने स्वर, सुहाई माने अच्छी लगती है, जनु माने जैसे, बटु माने यहाँ पे हम अर्थ लेते हैं बालक, और समुदाय मतलब जन समुदाय हम कहते हैं वैसे। पल्लव माने कोपल, भय माने हुए, बिटप माने यहाँ पे हम अर्थ लेते हैं वृक्ष, और साधक माने साधना करने वाले। अभी इसका हम एक अर्थ देखते हैं। यहाँ पे कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में से मेंढक की ध्वनि हमें क्या लगती है, ध्वनि ऐसी सुहानी लगती है कि मानो विद्यार्थियों को सबका समूह वेद पाठ कर रहे हो। बराबर है, मेंढक की आवाज़ आती है कि नहीं हमें वर्षा ऋतु में, बारिश होने के बाद मेंढक, बहुत सारे मेंढक बाहर पड़ते हैं और ऐसे वो आवाज़ निकालते हैं चारों दिशाओं में, जैसे कि ऐसे लग रहा है कि जैसे विद्यार्थियों का जो समूह है वो वेद पाठ कर रहे हैं, ऐसे उनका वर्णन यहाँ पे कवि गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पे कर रहे हैं। बाद में वो कहते हैं कि अनेक वृक्षों में क्या रहती है, नई नई कोंपले आती है। कोंपले मंजे अपन म्हणतो ना मराठी मध्ये अंकुर फुटत, त्या पद्धतीने इथे कोंपले आती है, आ गई है, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए है, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रफुल्लित हो जा रहा है। कितनी अच्छी रचनाएं यहाँ पे हमें दी है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्यम गयऊ खोजत कतहु मिलही नहीं धुरी करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मतलब क्या, अभी यहाँ पे अर्क जवास, जवास मतलब जवासा हम कहते हैं, पात मतलब पत्ते, भयउ मतलब हुए, सुराज माने अच्छा राज, उद्यम माने कार्य, बराबर है, और कतहु यहाँ पे हम अर्थ लेते हैं कहीं भी, और धुरी माने धूल, और धर्म ही माने धर्म को। आ रहा है समझ में? सो अभी इस दूसरे चयन में कवि गोस्वामी तुलसीदास हमें क्या कहते हैं कि जैसे कि जवासा के पौधे, पौधे जो रहते हैं, पत्तों रहते हैं, पौधों के पत्तों, ऐसा बरसात का दिन लगने लगता है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो एक अच्छे शासक का राज्य में दुष्टों का क्या चल रहा है, खत्म होने, मतलब दुष्ट लोग खत्म हो जाने लगे हैं, ऐसा यहाँ पे हमें लगता है। और कवि गोस्वामी तुलसीदास आगे चलकर कहते हैं जैसे कि धूल खोजने पर भी कुछ नहीं मिलता, वैसा जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने भी इस धूल को नष्ट कर दिया है। समझ में आया इसका अर्थ? मतलब बारिश होने के बाद जैसा बहुत सारा धूल वगैरह साफ कर देता है पानी के वजह से, वैसा लग रहा है कि जैसे कि शासन में ऐसा शासन आया है कि दुष्ट लोगों को भी पूरे तरह से साफ करने को लगा है, ऐसा यहाँ पे कवि गोस्वामी तुलसीदास हमें कहते हैं। ओके, आगे चलकर क्या कहते हैं देखिए, शशि संपन्न सोह मही कैसी उपकारी के संपत्ति जैसी निसी तम घन खद्योद बिराजा जनु दम्बही दम्बी नह कर मिल समाजा। अभी यहाँ पे शशि माने क्या, तो अन्न हम कहते हैं, सोह माने शोभा यमान, और आगे चल के निसी मतलब रात, और घन मैंने मतलब पहले बताया बादल करके हम यहाँ पे बोल सकते हैं, खद्योत मतलब क्या, तो जुगनू, बराबर है, जो जुगनू का रात कीड़ा बोलते हैं ना अपन वो, और जनु दम्भिन्न मतलब घमंडी लोग जो रहते हैं उन्हें दम्भिन्न यहाँ पे कवि कहते हैं, और
इस तरह से अभी इसका हम अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि अन्न या अनाज युक्त खेती इस पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार शोभामयम हो रही है कि जैसे उपकार करने वाले जो व्यक्ति शोभायमन होते हैं, और रात के अंधकार में और अंधेरे में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र आ गया है। ओके, सो चले आगे चलते हैं। निसी तम घन खद्य, सॉरी ये हो गया, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुद तजही मोह मदमाना, देखी अत चक्र बाक खगनाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही। अभी यहाँ पे हम निरावही मतलब निराना मतलब घास फूस छिलकर निकालना, बुद माने यहाँ पे बुद्धिमान आदमी हम कह सकते हैं, माना यानी मानना या सम्मान करना, और चक्रबाक माने चकवा पक्षी रहता है, चतुर पक्षी हम बोलते हैं, चकोर चकोर पक्षी मराठी में चकोर बोलते हैं, अभी यहाँ पे ज़्यादा करके हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन इसको चकवा पक्षी देखिल कहते हैं। ओके, और इस तरह कवि क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कि एक किसान अपनी, एक चतुर किसान जो रहता है वो अपनी फसल को क्या करता है कि घास फूस निकाल कर उस फसल में से जो अपन म्हणतो ना मराठी मध्ये कि तण आलेत म्हणून, म्हणजे एखाद्या शेतामध्ये तण आले मग आपण तणनाशक फवारतो, तसं एक वैसा एक चतुर किसान जो अपनी फसल को अच्छी तरह से बारकाई से देखता है और फसल के अंदर अगर घास फूस निकल कर आते हैं तो उसको निकाल कर फेंक देता है, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे विद्वान लोग क्या कर रहे हैं, मोह मत्सर मद माया का त्याग कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बरसात के दिनों में जो चक्रवात पक्षी कहीं दिखाई नहीं देते हैं, नहीं दे रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो, ऐसा कवि गोस्वामी तुलसीदास हमें यहाँ पे कहते हैं। विविध जंतु संकुल माही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थाकी नाना, जिमी इंद्रिय गन उपजे ज्ञाना। बराबर है, अभी यहाँ पे पराही माने भाग जाता है, मही मतलब पृथ्वी ऐसे हम मानते हैं, थकी माने थककर, मराजा माने शोभायम होके, और मारुत माने यहाँ पे हम कहते हैं हवा। बराबर, ओके, तो यहाँ पे मारुत का अर्थ अगले दोहा में दिया है तो वो दोहा में हम देखेंगे, तो यहाँ पे इतना ही हम देखते हैं कि इसका अर्थ हम देखने जा रहे हैं। तो अभी यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से क्या है, भरी पड़ी हुई है, और यह उसी तरह से क्या है, शोभायमान दिख रही है, और अच्छा राज्यों राजा के राज्य में जैसे प्रजा का विकास होता है, वैसे यहाँ वहाँ अनेक जगह जगह पर ठहरे हुए हैं, जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियों का शिथिल हो जाता है और इस विषय की ओर जान छोड़ देती है। अभी दोहा के मानस हम देखते हैं क्या और कहना चाहते हैं हमें कवि। कबहु प्रबल बहु मारुत, यहाँ पे मैंने मारुत का अर्थ आपको बताया था, मारुत माने हवा, आ रहा है समझ में, जह तह मेघ बिलही, ओके, जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नासही, नसाही नसाही मतलब यहाँ पे नष्ट होना। कबहु दिवस मह निबिड़ तुम तम कबहु क प्रगट पतंग, निबिड़ माने घोर घना, ओके, बिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाई उसुंग सुसुंग, और बिन सही मतलब क्या यहाँ पे हम कहते हैं, नष्ट होना। तो अभी कभी क्या कहते हैं कि कभी कभी जो हमारा मारुत माने हवा इतनी तेज गति से चलने लगती है जिससे क्या हो रहे, बादल यहाँ वहाँ क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र में के उत्पन्न होने से कुल
के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा दिखता है कि बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब लगता है जैसे बुरी संगत पाकर ज्ञान नष्ट हो गया, अच्छी संगत पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया। और इस तरह से ये जो कवि गोस्वामी तुलसीदास ने हमें अच्छी तरह से यहाँ पे क्या किया है कि इस काव्यखंड के जरिए हमें अच्छी तरह से वर्षा ऋतु में किस किस तरह से बदल होते हैं और अच्छा तरह से यहाँ पे हमें और बरसात के ऋतु में इस काव्यखंड से व्याकुलता कैसी होती है, इसका चित्रण अच्छी तरह से यहाँ पे हमें गोस्वामी तुलसीदास ने बरस ही जलत इस काव्य पंक्ति से हमें यहाँ पे दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये कविता हमारी समाप्त हो गई, ऐसा मैं आपको घोषित करता हूँ। और मुझे लगता है कि आपको एक काव्य पंक्ति चौपाई और दोहों का सरल अर्थ अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा। और यह वीडियो देखने के लिए आपका सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सो यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।